नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा में कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और खंडवा कलेक्ट्रेट में अंदर जनसुनवाई चल रही है। यहां पर आज बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। यहीं पर एक मामला मोकल गांव से आया है। यहां पर मोकल गांव पंचायत के उप सरपंच और साथ में पंचों के अलावा गाँव के अन्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने कुछ समस्याओं को लेकर। तो हम इन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्या नाम है भैया आपका? कालू सिंह चौहान। आप क्या हो वहाँ पे मोकल गांव? मैं उप सरपंच हूँ जी। क्या काय के लिए आए हैं आप जनसुनवाई में? भ्रष्टाचार गाँव में हो रही है। कैसा? जो गाँव में काम किए हुए हैं, हाँ, ये मशीनों के द्वारा काम किया गया हुआ है। मनरेगा का काम होता है, मजदूरों से करवाना, हाँ। पूरा काम इन्होंने ना मजदूरों से नहीं करवा के मशीनों से काम करवाया हुआ है। अच्छा। हमको इसकी जांच करवाना है कि कौन सा रोड कितनी लागत का बना हुआ है, हाँ। इसकी पूरी जांच करवाना है। कम से कम 8 रोड बने हुए हैं। अच्छा। 8 रोड ने 8 रोड बनवा दिए जी। अच्छा। वो पूरे मशीनों से काम किया हुआ है। अच्छा। उसकी कितनी लागत कितने रोड की निकली हुई है उसकी जांच करवाना है। पंचों को ना तो सरपंच उप सरपंच को पता है ना पंच लोगों को पता है। अच्छा। गांव बहुत अच्छे पानी। अच्छा। गांव में मतलब विकास कार्य जो हो रहा है तो गांव के लोगों को वहां पे काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मिल रहा की गारंटी वाली रोजगार स्कीम का लाभ ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रही। ठीक है, आपका क्या नाम है? सीताराम। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी पंचों सर, गांव का कुछ विकास हो नहीं रहा है। गांव अंधेरे में पड़ा है, हाँ। ना कचरे में पड़ा है ना उजाला। गांव में लाइट वाइट तो होना चाहिए ना सर। अंधेरे में गाँव में हाईवे बन गया, 4 लेन फोर रोड पे गाँव में लाइट वगैरह होना चाहिए। जो नाइटे बनाए गए वो कचरे डालने के वो भी साफ कर दिए। अच्छा। वो बच्चा ही नहीं कहाँ गया। अच्छा, क्या अच्छा का अभियान भी नहीं वहाँ पे चलाया जा रहा। कोई 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 कोई। ठीक है, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल है। क्या कहेंगे आप? हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना गायब कर दी। अच्छा। सरपंच ने। अच्छा, गायब और बोले कर दी। बोले तुमको नहीं मिलेगा, 5 साल का नाम मेरा है। बोले तुमको नहीं मिले, कहाँ जाना, वहाँ जाओ, कलेक्टर पर जाओ। अच्छा। तुमको जो बनो करो। अच्छा। ये बोलता है सरपंच और सचिव। और सरपंच ने खोली ले ली है, वो आवास योजना ले ली है, हाँ। और मेंबर ने ले ली है पंच ने। बोले तुमको कहाँ जाना, वहाँ जाओ। अच्छा। बाकी गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? जी राहुल मसानी। मसानी जी क्या कहेंगे? मैं पंच हूँ, हाँ। हमारे गांव में जो आवागमन का जो रास्ता है, मेन रास्ता, हाँ। वो सरकारी कुएं से होकर हनुमान मंदिर तक जाता है, हाँ। जिसे सरपंच और सचिव ने बुलडोजर से खुदवा दिया है। अब उस रास्ते में पैदल भी नहीं निकल सकते। अच्छा। इसकी हमको जांच करवानी। अच्छा, मतलब लोगों को वहाँ से निकलने में असुविधा हो रही है जी। अच्छा, ठीक है। और भी लोग मौजूद है, आप कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम पठान है, हाँ। ग्राम पंचायत मोकल गाँव से वहाँ का सदस्य हूँ जी। जब से हम लोग चुन के आए, तमाम ग्राम पंचायत मोकल गाँव के पंच लोग और उप सरपंच है यहाँ जी। तो अभी तक के चुन के आए, जब से एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अच्छा। एक बैठक अगले महीने में 25 तारीख को हुई, जिसमें हमने सचिव महोदय से बोला कि ये जो भी कार्य हुए बिना बैठक के, बिना उप सरपंच और मेंबर के कैसे हो गए, इनकी हमें जांच चाहिए और बताइए कि ये टोटल कितने लागत से क्या हुआ। तो अभी तक कोई बताया नहीं है, हाँ। और सरपंच के द्वारा बोला जाता है आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाए। अच्छा। हमारा कोई मतलब कुछ नहीं आप अपनी बात रखते तो वो सीधे यही बोल देता, जाओ शिकायत कर दो, जाओ शिकायत कर दो। और अभी तक के मतलब हम लोगों की कोई बैठक नहीं, कोई जितने भी कार्य हुए हैं उसके बारे में कोई वो नहीं, जानकारी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे सभी लोगों से बात हो गई। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? रघुनाथ हिरवे। हिरवे जी क्या कहेंगे आप? सर आवाज दिया नहीं जा रहा, पैसे की मांग की जा रही है, 10,000 रुपए मांगते है, बोले जब आवाज दिए जाएगा। अच्छा। आवाज मांगे जाते हैं। और मकान देखिए सर जी, हमारा किसान लात मारोगे तो गिर जाएगा जी। चेक करिए सर जी वहाँ पर आप, वो जो पक्के मकान उनको आवाज दिए जा रहा है, सरपंच के घर भी मिले जा रहा, बल्कि हम लोगों गरीबों लोग उनको मिले जा रहा। अच्छा। तो इनका समाधान कौन किया जाएगा? ठीक है, आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम अनिल यादव है, हाँ। मैं पूर्व पंच हूँ, हाँ। और वर्तमान में पंचपति हूँ, हाँ। जो 11 बिंदुओं के हमने जायज कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में दिए हैं, 11 बिंदुओं की जांच होना चाहिए। रोजगार गारंटी में जो रोड बने हैं जी, नाली निर्माण जो जिसका नाम, हाँ। दिया गया है, हाँ। जल निकासी के नाम से जो रोड बनाए गए हैं, हाँ। उन रोडों पे क्या है, मुरुम नाम मात्र की डली हुई है, हाँ। और पैसा कितना निकला है, कौन सी लागत को निर्माण कार्य, कोई लागत आज तक हमको बताई नहीं जाती, उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। ठीक है। और हम जाँच जिला पंचायत
समिति द्वारा करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमारे इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।